संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यमुनानगर के कन्हैया साहेब चौक पर इकट्ठा होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर निगम कमिश्नर के नाम का ज्ञापन सौंपा और कमिश्नर के माध्यम से नगर निकाय मंत्री हरियाणा सरकार के नाम का भी ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 2021 में हरियाणा सरकार और निगम के द्वारा एक प्रॉपर्टी सर्वे कराया गया था जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। इतना ही नहीं, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। ये प्रॉपर्टी सर्वे 90% गलत किया गया है जिससे शहर के नागरिकों की समस्या उत्पन्न हो गई है और जब लोग इस समस्या से दो चार होते हुए रोज नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि कई लोगों के नाम गलत प्रॉपर्टी में इंद्राज कर दिए गए हैं और कई लोगों की प्रॉपर्टी का एरिया कम या ज़्यादा कर दिया गया है। कई लोगों का अप्रूव एरिया की प्रॉपर्टी को अनपूर्ण में कर दिया गया है जिससे लोग मुश्किलों में पड़ गए हैं। कई लोगों को अपनी ज़रूरत में या फिर किसी पैसे की ज़रूरत में अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो वो बेच भी नहीं सकता और अगर कोई अपनी ज़रूरत के लिए बैंक से लोन लेना चाहे तो वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकता। अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है कोई भी व्यक्ति तो वो लिमिटेड समय है जिसमें एक महीना लगे, दो महीने लगे, चार महीने लगे या छः महीने लगे, कोई समय नहीं है उसका। तो अगर किसी को अर्जेंट में कराना है, किसी को लोन लेना है या किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, तो सरकार ने उसके लिए 5,000 रुपये फीस मुकर्रर की हुई है। 5,000 रुपये फीस वसूलने के बाद भी ये ना समझे व्यक्ति कि उसकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। 5,000 रुपये फीस वसूलने के बाद भी कोई ना कोई कमी निकाल करके उसको रद्द कर दिया जाता है, वो जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। लेकिन लोगों से जिस तरह से जानकारी मिली है कथित तौर पर, लोगों का कहना है कि अगर वास्तव में किसी को ठीक कराना है तो यहाँ अधिकारियों की जेबें गर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक की जो कीमत है वो ठीक करने के नाम पे यहाँ पे वसूली जा रही है। तो यहाँ एक इस तरह का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और सरकार और निगम इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, उस भ्रष्टाचार में पूरे।